कई बार लोगों के सामने किसी काम से रिलेटेड डिग्री नहीं होने से वंचित हो जाने की समस्या आती है, पर उसका भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। किसी डिग्री का ना होना दरअसल फायदेमंद भी कहा जा सकता है। अगर आप इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर हैं, तब आप इन्हीं में से कोई ना कोई प्रोफेशन अपनाते हैं और ऐसे ही काम करते हैं। लेकिन यदि आपके पास कोई डिग्री नहीं है तो आप फ्रीलांसर के तौर पर कुछ भी कर सकते हैं। आप आज़ाद हैं, आप बंधन में नहीं बंधेंगे। जो इन पर्टिकुलर डिग्री में ही काम करने के लिए बाधित होते हैं, आप खुले आसमान में दौड़ लगाएंगे और ऐसी स्थिति में आप असीम शक्ति से अपने आप को ओतप्रोत पाएंगे। इसका मतलब यह है कि जिन लोगों के पास डिग्री है वो खुशनसीब है, और जो किसी कारणवश पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए उनके पास भी खुला आसमान अभी बाकी है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली, आप सभी का ग्रहों का खेल कार्यक्रम के आज बनने वाले ऐतिहासिक दिन की शुरुआत राशिफल से करूंगा। आज 5 अप्रैल है, रविवार है और प्रदोष व्रत है। ग्रहों से बनने वाले उभयचरी योग और परिजात योग का साथ मिल ही रहा है। मेष, कर्क, तुला और मकर राशि वाले लोगों को शश और रूचक योग का लाभ मिलेगा। वहीं अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक, कुंभ है तो मालव योग का साथ मिलेगा। अंगारक दोष आज भी बना रहेगा। चंद्रमा आज सिंह राशि में रहेंगे और सिंह का मतलब है शेर। चंद्रमा मन सो जातक, मन और मस्तिष्क के लॉर्ड हैं, वो सिंह राशि में रहेंगे। आज के दिन अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए शुभ समय की तलाश में तो उसे नोट करिए, सुबह 10:15 से 12:15 और दोपहर से दो से तीन का भी टाइम मिलेगा, और 4:30 to 6:30 तक राहु काल के समय शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। अब आइए राशिफल की शुरुआत करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पुलिस प्रशासन, मेडिकल स्टाफ, नर्स और इससे जुड़े हुए लोगों के लिए एक दिया उनके नाम रात को 9:09 तक के लिए आप वो दीपक जलाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, जब दीपक जला ही रहे हैं तो क्यों नहीं कुछ ऐसा प्रयोग किया जाए जो आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि भी लेकर आए। इसको मैं कार्यक्रम के अंत में एक विशेष प्रयोग के रूप में बनाऊंगा। आप शुरुआत करते हैं मेष राशि से। परिवार पर ध्यान केंद्रित करिए, यानी आपकी फैमिली की अगर कोई समस्या है तो उसे डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा में तब्दील मत होने दीजिए। आपका स्वास्थ्य आज बेटर रहेगा लेकिन मांसपेशियों में दर्द आपको परेशान कर सकता है। भाई बहन परिवारजनों से आपको सहयोग मिलेगा और लाभ भी मिलेगा। वर्क फ्रॉम होम की कड़ी में आप दिन को काम कम और आराम ज्यादा करते हैं, लेकिन रात को जो आप जग रहे हैं वह आने वाले समय में आपको मानसिक और शारीरिक पीड़ा दे सकता है। इसलिए वर्क फ्रॉम होम करते वक्त दिन में अपना काम करिए, रिसर्च वर्क प्रॉपर करिए, अपने घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी जरूर बनाइए और परिवार को और अपने दोस्तों के लिए कुछ विशेष लेख लिखिए और उनको बताइए। यह वक्त है क्वारंटाइन में कि आप अपने भीतर छुपी हुई कला को बाहर निकालें, और मेष राशि वाले लोगों में कला बड़ी जबरदस्त होती है। जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, भौतिक सुखों में लिप्त हो रहे हैं, आपको अपनी माँ और संतान से बहुत लाभ मिलेगा, और जो आपके पास साधन ऑलरेडी है उनसे आप पूरा भरपूर लाभ उठा पाएंगे। आज लकी कलर आपका पिंक, नंबर 3 शुभ रहेगा। बात करते हैं वृषभ राशि के। देखिए, जो भी आपके दैनिक गतिविधि है, यानी जो रूटीन काम है, अब हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि हमें क्वारंटाइन पीरियड में घर पर रहना होगा, हम बाहर जा नहीं सकते, कोई काम करने से थे, जॉब, बिजनेस, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री नहीं कर सकते हैं। लेकिन घर पर बैठकर जब लॉकडाउन खुलेगा तो हम आज अगर रिसर्च करते हैं, कुछ पेपर वर्क तैयार करते हैं, रीशफल करते हैं, अपने स्टाफ का कुछ मेहनत करते हैं तो हमें आने वाले दिनों में लाभ देगा। दैनिक गतिविधियों की बात करें तो यह दिन आपके लिए लाभदायक है। आप अपने जो पुराने काम है, जो लंबित हो चुके हैं, जो नहीं हो पा रहे थे, उन्हें पूरा करने की बेहतर योजना बना सकते हैं। आपका दाम्पत्य जीवन शानदार रहे इसके लिए एक दूसरे के प्रति वफादारी बहुत जरूरी है। महिलाओं का ड्रेसिंग सेंस शानदार होना चाहिए। ज़्यादातर लोग ये समझते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हम जब घर से बाहर जाते हैं तब सच से संवरते, यानी खुद के लिए नहीं, दूसरे लोगों के लिए जो आपको देख रहे हैं, उनसे क्या करना है। आपके पति, आपके परिवार के लोग जो आपको चाहते हैं, आज बेहतर ड्रेसिंग सेंस होनी चाहिए। घर में भी हम तैयार होकर रहेंगे इसलिए आज ऐसी कोशिश आपकी बहुत लाभ देगी। वैवाहिक जीवन और दाम्पत्य जीवन में प्यार, इश्क और मोहब्बत बढ़ेगी। वर्क फ्रॉम होम के कल्चर में आज थोड़ी सी बाधा आ सकती है। स्टूडेंट के लिए, आर्टिस्ट के लिए दिन बहुत शानदार रहेगा, आपकी कला बाहर आएगी। सेहत पहले से बेटर है, स्वच्छता का
पूरा ख्याल रखें घर के अंदर। लकी कलर नेवी ब्लू, नंबर 7 शुभ रहेगा। मिथुन राशि, जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं जो आपके पास ऑलरेडी है, कई बार मैंने ऐसा देखा है लोगों को कि डाइनिंग टेबल नहीं है तो उसके लिए हम खर्चा करेंगे, चिंता करते हैं। जो मज़ा ज़मीन पर बैठकर, मैं हम आज भी परिवार के सभी लोग ज़मीन पर बैठकर खाना खाते हैं, जो ज़मीन पर बैठकर जमीन से जुड़कर जो भोजन हमारे भीतर प्रवेश करता है वो डाइनिंग टेबल में हो सकता है क्या? ये पाश्चात्य सभ्यता को भूलिए और वापस अपनी सभ्यता के अंदर लौटिए। जो सुख सुविधाएं आपके पास है उसका भरपूर आनंद उठाइए, आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ समय बेहतर ढंग से बिता पाएंगे। आपके जीवन साथी पर थोड़ा क्रोध आ सकता है, घर में डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा, झगड़े फसाद हो सकते हैं, इससे बचना चाहिए। और एक दूसरे की भावनाओं को अगर समझोगे, एक दूसरे का कुछ काम करोगे, एक दूसरे की हेल्प करोगे, एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचोगे तो वह घर मंदिर बन सकता है। शांति और विनम्रता से बात करना आपको अगर आता है तो आप समझिएगा कि आपका घर शानदार बन जाएगा। गलत खान पान, अंट शंड खाना, बिना वजह, बिना समय पर खाना खाना आपके पेट को खराब करने वाला है। अपने जो भोजन में थोड़ा सा हल्कापन लेकर आएं, क्योंकि अभी हमारे फिजिकल जो एक्टिविटीज़ बहुत कम लोगों की हो रही है। जो लोग योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज, जॉब, कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं, जॉगिंग वगैरह या ट्रेडमिल पर ही काम कर रहे हैं, कुछ भी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी घर से ही कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ठीक है, बाकी लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल है। इसलिए खान पान पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आपकी समझ बहुत शानदार रहेगी, इससे किसी और को लाभ ज़रूर मिलेगा। आज अगर आपको घर से बाहर कोई सामान लेने जाना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही निकलें, वरना आज आपके लिए निकलना ठीक नहीं। लकी कलर आपका गोल्डन, नंबर 6 शुभ रहेगा। बात करते हैं कर्क राशि की। शारीरिक और भावनात्मक दुर्बलता, यानी फिजिकल स्ट्रेंथ उतनी नहीं रहेगी, मानसिक अशांति रह के होगा, क्योंकि आपकी राशि से द्विद्वादश चंद्रमा बना रहे, जो अशांति दे रहे, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, झगड़ा, गुस्सा, ये सब आपके ऊपर आज हावी रहेगा। किसी बात को लेकर मन मुटाव किसी से हो सकता है, झगड़ा फसाद भी टेलीफोन पर हो सकता है, ऐसा कोई काम ना करें। किसी और से टेलीफोन पर बात करते समय बड़ा सलीके से बात करें, किसी और की बुराई करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। अरे, आपके पारिवारिक जीवन में कुछ समस्या आ सकती है, आप अनैतिक कार्यों के प्रति आकर्षित रह सकते हैं। अपने जीवन साथी के साथ प्यार सद्भाव रखिए। स्पिरिचुअलिटी, धार्मिक कर्म और पुण्य कर्म करने के लिए दिन बहुत शानदार है। घर में यज्ञ कर सकते हैं, मंत्र उच्चारण कर सकते हैं, मंत्रों की जो ध्वनि है उसके द्वारा घर में एनर्जी क्रिएट की जा सकती है। आज घर के आसपास कहीं आपको जाना नहीं है, लेकिन कोई कुत्ते, बिल्ली, जीव जंतु, जानवर, गाय, कोई पशु आपको दिखता है तो उनको जरूर रोटी दीजिए, बहुत पुण्य का काम है, जो आज आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। आज आपका धन जो खर्च हो सकता है, लेकिन धन में कमी नहीं रहेगी। आपकी सेहत पहले से ठीक है, उल्टा आप बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा, कोई भी गलती नहीं करें, सावधानी रखना बहुत ज़रूरी रहेगा। लकी कलर सिल्वर, नंबर 1 शुभ रहेगा। सिंह राशि, धार्मिक कार्य, स्पिरिचुअलिटी, किसी भी प्रकार से अपने IQ, EQ लेवल, अपनी मेमोरी और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए आज का दिन आपके पास शानदार है। अपनी रुचि के काम जरूर करिएगा, जिस चीज़ का इंटरेस्ट है और जिस काम में इंटरेस्ट है, जिसकी हॉबी है, उसके लिए किसका इंतजार करना, शुरू करिए। कुछ राशि भी आज आपकी धन खर्च होने वाली है, हो सकता है एक्स्ट्रा खर्च हो जाए। आप अपने भाई बहनों के साथ, परिवार, मित्रों और अपने बच्चों के साथ, पत्नी के साथ सामंजस्यपूर्वक दिन बिताएंगे, मतलब दोनों का सम्मान करना है और एक दूसरे का काम करते हुए, एक दूसरे की मदद करते हुए चलेंगे तो दिन आज बहुत शानदार रहेगा। स्टूडेंट आज बहुत सुस्त रहेंगे और आर्टिस्ट भी सुस्त रहेंगे। आलस्य, सुस्ती और नींद लेना, ये कुछ परेशानी आपको परेशान करेगी। अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। घर के बड़े बुजुर्गों की इज्जत आपको भरपूर करनी चाहिए हमेशा, और ये कोई कर्म नहीं है और ना ये कोई पुण्य का काम, ये हमारा कर्तव्य है, ये याद रखिएगा। और साथ में आपको क्या करना चाहिए कि उनकी सेहत पर बहुत ज़्यादा विशेष विचार करना चाहिए। आपको कोई परेशान करने की कोशिश कर सकता है, आप मत होइएगा। कोई खुशखबरी अपने मित्रों से, विदेश से, आपके ऑफिस से, कहीं से भी आपको खुशखबरी आ सकती है और आपको समाचार बहुत खुश करेंगे। लकी कलर ब्राउन, नंबर 9 शुभ रहेगा। कन्या राशि, आपको अपने ज्ञान और कौशल यानी स्किल, क्वालिटी, व्यूज, आइडियाज पर बहुत फख्र रहेगा और बहुत गर्व रहेगा। जो लोग वर्क फ्रॉम होम के या व्हाट्सएप ग्रुप या किसी और प्रकार से कोई काम कर रहे हैं तो सोशली बहुत अच्छा काम करके आप लोगों तक बेहतर मैसेज पहुंचाएंगे। आज आपको महिलाओं के कारण लाभ हो सकता है और महिलाओं को अपने कारण लाभ मिलने वाला है। आज घर की जो माताएं, बहनें हैं, महिलाएं हैं, उनको बैठाइए,
और पुरुषों को आज बीड़ा उठाना चाहिए घर के कामकाज के लिए, मेहनत के लिए। कुछ ऐसा काम करिए जो कुछ अलग हो, हटके हो। कामकाज से जुड़ी हुई खुशखबरी आपको जरूर खुश करेगी। आपके परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध बहुत शानदार रहेंगे। स्वास्थ्य आज बहुत बढ़िया है, इसलिए आप जबरदस्त मेहनत करिए। बस अपने आप को खाली मत होने दीजिएगा, क्योंकि खाली दिमाग आज आपके शैतान का घर बनने वाला है। क्योंकि कन्या राशि में राशि से 12वें चंद्रमा रह रहकर अननोन फियर, भविष्य को लेकर चिंता सताएगी, स्पेशली फाइनेंस की। स्टूडेंट के लिए बहुत शानदार समय है, इसलिए आप बेहतर मेहनत कर सकते हैं। लकी कलर ऑरेंज, नंबर 7 शुभ रहेगा। प्रिय दर्शकों, अब मैं आज के एक विशेष आकर्षण की बात कर रहा हूं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के आकर्षण में मैं बात करूंगा प्रधानमंत्री जी के एक वक्तव्य से, जिन्होंने कहा कि 5 अप्रैल रविवार को रात को 9:09 तक के लिए दीपक, टॉर्च, मोबाइल की टॉर्च हो या किसी प्रकार से आपको रोशनी देनी है। पुलिस प्रशासन और मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, नर्स, इन सब के लिए कि हम आपके साथ हैं और कोरोना की लड़ाई में जंग हम जीतेंगे। घर की लाइटों को बंद करना है। मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप जब इतना सब कुछ कर ही रहे हैं, और जो लोग भी कर रहे हैं उनके काम की बातें, तो दीपक जरूर जलाएं। भारतीय संस्कृति की परंपराओं में दीपक का विशेष महत्व क्यों है? किसी भी देश की संस्कृति उसकी आत्मा होती है। भारतीय संस्कृति की गरिमा अपार है। इस संस्कृति में आदिकाल से ऐसी परंपराएं चली आ रही है जिनके पीछे तात्विक महत्व और वैज्ञानिक रहस्य छिपा हुआ है। सनातन धर्म, हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य से पहले दीपक जलाया जाता है। सुबह शाम होने वाली पूजा में भी दीपक जलाने की परंपरा है। अपने ईष्ट को प्रसन्न करने के लिए, हर धार्मिक रीति रिवाज को पूरा करने के लिए अपने अपने विधान भी हैं। दीपक की लौ सिर्फ रोशनी के प्रतीक नहीं है, बल्कि वह अज्ञानता के अंधकार को हटाकर ज्ञान के प्रकाश से जीवन को रोशन करने की प्रतीक है। दरिद्रता यानी गरीबी के तिमिर का नाश कर खुशियों से जीवन को जगमगा देने के प्रतीक है दीपक। नकारात्मकता से चौंधियाए अंधेरे मन में सकारात्मकता के प्रकाश की किरणों के प्रतीक है, इसीलिए उसके सही दिशा में होने से ही शुभ फल प्राप्त होते हैं। पूर्व और उत्तर दिशा में जहां दिए की लौ आयु और धन में वृद्धि की मनोकामना पूरी करने वाली होती है, तो वहीं पश्चिम और दक्षिण में दिए की लौ होना अशुभ भी माना जाता है। पश्चिम दिशा में दिए की लौ दुखदायी होती है और आपको कष्ट सहने पर मजबूर होना पड़ता है, लेकिन दक्षिण में दिए की लौ रखना और भी घातक हो जाता है। इससे व्यक्ति या परिवार में बड़ी हानि उठानी पड़ सकती है। यह हानि जान माल किसी भी रूप में हो सकती है। कुल मिलाकर दीपक या दिया जलाना हर शुभ अवसर पर एक अनिवार्य परंपरा माना जाता है, इसीलिए दीपक की लौ सही दिशा में अवश्य जलानी चाहिए। आप दीपक को पूर्व या उत्तर की तरफ ही जलाइएगा। दीपक मनुष्य के जीवन में चिन्हों और संकेतों का बहुत उपयोग है, यह उपयोग देता है। भारतीय संस्कृति में मिट्टी के दिए में प्रज्वलित ज्योत का बहुत महत्व है। दीपक हमें अज्ञान को दूर करके पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने का संदेश देता है। दीपक अंधकार दूर करता है। मिट्टी का दिया या दिए से बने हुए मनुष्य शरीर का प्रतीक है और उसमें रहने वाला तेल अपनी जीवन शक्ति का प्रतीक है। मनुष्य अपनी जीवन शक्ति से मेहनत करके संस्कार से अंधकार दूर करके ज्ञान प्रकाश फैलाए, ऐसा संदेश दीपक हमें देता है। मंदिर में आरती करते समय दिया जलाने के पीछे यही भाव रहा है कि भगवान हमारे मन से अज्ञान रूपी अंधकार दूर करके ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाए, गहरे अंधकार से प्रभु परम प्रकाश की ओर हमें ले चल। अच्छे संस्कारी पुत्र को भी या पुत्री को भी कुलदीपक या कुलदीपिका कहा जाता है। अपने वेद और शास्त्र भी हमें यही शिक्षा देते हैं। हे परमात्मा, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमरता की ओर हमें ले चलो, ज्योत से ज्योत जलाओ। इस आरती के पीछे भी यही भाव रहा है। यह है भारतीय संस्कृति की परंपरा, इसलिए आप दीपक जरूर जलाएं। और इस कार्यक्रम के अंत में मैं बताऊंगा वो महा उपाय जो आपके लिए करना, इस पुण्य कर्म के साथ साथ, इस जो हमारे प्रधानमंत्री जी के निवेदन के साथ साथ, आपको आध्यात्मिक और एक किसी और प्रकार की सुख समृद्धि की चाह जो लोग रखते हैं वह भी हमें प्राप्त हो सकती है। तुला राशि, पुरुष को महिला और महिला को पुरुष के प्रति आकर्षण आज बहुत रहेगा। आज रह रहकर घर से बाहर जाने का मन करेगा जो आपको डिस्टर्ब कर सकता है सेहत को लेकर। ऐसा कोई काम न करें जो समाज के लिए और कानून के लिए खराब हो और आपके लिए, आपके अपनों के लिए खराब हो। ऐसा कोई काम नहीं करें। हम अपने ही घर में हैं,
सोचिए, लोग जेल में हैं, बहुत सारे दुख दुविधाएं झेल रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं जो ना घर के हैं ना घाट के हैं, ऐसी जगह फंस गए हैं जहां से कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, पैसा नहीं है, भोजन नहीं है, लेकिन समाज के कुछ लोग उनकी मदद करें। तो आपको भी आज किसी की मदद ज़रूर करनी चाहिए। आपकी मैरिटल लाइफ में और लव लाइफ में कुछ परेशानी आ सकती है, जो आप अपने तरफ से आने की कोई भी कोशिश मत करेगा। दिन भर सुस्ती और आलस्य आपको परेशान करेगा। अपने ससुराल और ननिहाल के कारण लाभ कमाने की चेष्टा रहेगी। हो सकता है वहाँ से आपको आशीर्वाद का भी बड़ा लाभ मिल जाए। स्टोमक से संबंधित आपको तकलीफ हो सकती है, इसलिए ऐसा कोई काम न करें जिससे शरीर खराब हो, और शरीर से अगर इम्यूनिटी खराब होती है और उससे सर्दी जुकाम खांसी बुखार गले की तकलीफ, अपने घर के टेम्परेचर को कंट्रोल में रखें, ना ज़्यादा ठंडा रखें ना गर्म रखें, नॉर्मल रखें। खिड़की दरवाजे बहुत लिमिटेड में खोलिए क्योंकि एयरबॉर्न भी कोरोना वायरस हो सकता है, इसी इस पर आपको ध्यान रखना चाहिए। मन लगाकर रिसर्च करें, काम करें और अपनी सेहत पर ध्यान दें। छात्र अपनी पढ़ाई पर शानदार ध्यान देंगे जो आने वाले दिनों में उनको बड़ा लाभ दे सकता है। कहीं से भी कोई खबर आपको बहुत खुश करेगी। लकी कलर येलो, नंबर 4 शुभ रहेगा। वृश्चिक राशि, मानसिक तनाव रह रहकर आपको अपने चपेट में ले ही लेगा, इसलिए ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप, टीवी, अखबार, ऐसे खबर या ऐसे लोगों से आज दूरी बनाए, वैसे भी दूरी बनाइए, क्योंकि इससे कोई बहुत बड़ा लाभ हमें नहीं मिलता है। थोड़ी जानकारी ज़रूर मिलती है, लेकिन थोड़ी जानकारी तक ठीक है, बाकी अब रोज़ रोज़ तो कुछ आता नहीं है। हमें यही कहा गया आप घर पे रहना, आप घर पे रहना है तो रोज़ टीवी पे ये क्या सुनना है, हमें घर पे रहना है। तो कुछ अलग करिए, कुछ हटके करिए और एकांत में बैठिए। अपने आप को घर में तो क्वारंटाइन कर ही रखा है, घर में भी किसी कमरे में, बैल्कनी में या जहाँ पर भी आपको अच्छा लगता है वहाँ अपने आप को एकांत रखिए और सोचिए। मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर साथ में कुछ मत रखिए, सिर्फ एकांत में बैठकर विचार करिए, चिंतन करिए, बहुत लाभ मिलेगा वृश्चिक राशि वाले लोगों को। अन्यथा मानसिक अशांति और इरिटेशन घेरेगा। आप छोटे स्वभाव, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़े हो जाएंगे, इसे नियंत्रित करने का प्रयास करें। मन चाहे तरीके से आप अपना काम न कर पाने के कारण नाराज दूसरों पर होंगे। एक स्वस्थ व्यक्ति अगर अपने कुछ गलती अपनी गलतियों की वजह से अस्वस्थ हो जाता है तो वह तकलीफ दे हो सकता है। आपके नियमित सुख में नाटकीय गिरावट आ सकती है। आपका वैवाहिक जीवन और दाम्पत्य जीवन बहुत शानदार रहेगा, इसलिए आप कुछ ऐसी कोशिश करें कि हम अपने प्यार, इश्क और मोहब्बत को बढ़ा सकें, और एक प्रकार से दूसरे के प्रति सम्मान करना और ऐसा कुछ कर्म करना जो लोगों को लुभा सकता है, परिवार को लुभा सकता है। आज स्पिरिचुअलिटी, खेलकूद और बच्चों के साथ बहुत अच्छा टाइम व्यतीत होगा। आप कुछ पैसे आज बर्बाद करने जा रहे हैं, गलत शॉपिंग, गलत खर्चा हो सकता है वो आपके हाथ से हो जाए, इसलिए ज़बरदस्ती किसी चीज़ को घर पे इकट्ठा करना दूर रहें। लकी कलर स्काई ब्लू, नंबर 9 शुभ रहेगा। धनु राशि, फाइनेंशियल प्रॉफिट होने की संभावना है। अब आप कहेंगे जब हम घर पे हैं तो कैसा प्रॉफिट? कुछ लोगों के लिए यह क्वारंटाइन पीरियड एक वरदान भी है। जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, जो लोग घर पर बैठकर पैसा कमा रहे हैं, उनके लिए बहुत शुभ है। और जिन लोगों ने ये सोच लिया कि अब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, उनका कुछ होने वाला भी नहीं है। जिन्होंने मन से हार मान ली उनका ठीक नहीं हो सकता। जिन्होंने ये सोचा कि हम इसी में भी दिमाग लगा कुछ ना कुछ करेंगे तो वो कर भी रहे। आपके पारिवारिक जीवन में प्रतिकूल विकास की संभावना है। दिन समझदारी से बिताएं। दांतों में दर्द और आपके हड्डियों में तकलीफ हो सकती है। कोई संक्रमण तो नहीं होगा, लेकिन आप फिर भी अपने टेम्परेचर को घर में नॉर्मल रखें, वरना सर्दी जुकाम की परेशानी आपको हल्की से आ सकती है। ये छात्रों के लिए उपलब्धि भरा दिन है कि वो कुछ नया और अच्छा सीखेंगे। अपने माँ बाबू जी, दादा दादी, उनसे उनकी कहानियाँ, किस्से, उन्होंने कैसे संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे हैं, क्या काम किए थे आपके बचपन में, जब आप बड़े हो रहे थे तब आपके लिए किस प्रकार के काम किए थे, वो उनसे पूछिए तो बहुत खुशी उनको भी मिलेगी और आपको भी जानने का मौका मिलेगा। आप अपने पुराने एल्बम को निकाल कर देख सकते हैं, अपने फोटोग्राफ्स को। आप अपने जीवन साथी को लेकर थोड़ी चिंता में रहेंगे, व्यर्थ की चिंता से मैं सलाह दूंगा कि आप दूर रहें। लकी कलर डार्क ग्रीन, नंबर 2 शुभ रहेगा। मकर राशि, मकर राशि वाले लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी बेटर होने जा रही है। जो लोगों का कुछ भी काम नहीं है उनका तो कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन अब आप बताइए कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारे तो खाते में पैसे नहीं आ रहे, लेकिन अमेरिका में जो रह रहे हैं उनका बिजली के बिल खाते में पैसा आ रहे हैं, सरकार दे रही है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि एक राशि वाले लोगों के साथ पूरे वर्ल्ड में एक जैसे ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता है, पर आर्थिक स्थिति आज सुधर सकती है। आपके लंबित कार्य आज पूरे होंगे। वेतन भोगी लोगों को कोई शुभ समाचार मिलने की पूरी संभावना है। आपको किसी भी उपकरण को, यानी जो भी आपके पास गैजेट है, उसे सावधानी पूर्वक संभालें और काम में लें। आज आग और करंट या किसी प्रकार का ऐसा खतरा है तो मैं चाहता हूँ आप इस पर ध्यान दीजिए। पेट में संक्रमण की बीमारी हो सकती है, वायरस, कोरोना वायरस नहीं,
पर सर्दी जुकाम या किसी प्रकार की ऐसी तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। इसके लिए अपनी इम्यूनिटी मजबूत करें, खूब पसीना बहाएं और इसके लिए सबसे बढ़िया है सूर्य नमस्कार का योग करें। इसे सीखिए, मजा आ जाएगा। छात्रों के लिए सब दिन औसत भरा रहेगा, लेकिन आज कहीं से कोई खुशी की खबर आपके रिसर्च करने से आ सकती है। लकी कलर रेड नंबर 5 शुभ रहेगा। कुंभ राशि, आज दिन बढ़िया बीतने वाला है। आपकी इनकम में बढ़ोतरी हो सकती है या इनकम के लिए कोई योजना बनाई जा सकती है। अब संडे है, मुझे भी पता है आप घर पर बैठे हैं, जॉब नहीं है, बिजनेस फैक्ट्री दुकान ऑफिस कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों की इनकम होने जा रही है, आप अलर्ट हो जाएं, इससे आपका मन खुश होगा। प्रेमी जीवन में दाम्पत्य जीवन लव लाइफ में खुशी और प्रेम भरे पल बिताने का मौका मिलेगा। शादीशुदा लोगों के लिए तो अच्छा दिन है ही, शादी जो लोग शादीशुदा नहीं हैं उनके किसी ऑनलाइन या कहीं से कोई रिश्ता आ सकता है। आप अपने आज के दिन को और बेहतर बनाने के लिए स्पिरिचुअलिटी का सहारा लें और जीवन साथी से निकटता बनाएं। माँ बाबूजी परिवार सहित बैठकर किसी भजन का आप अनुसरण कर सकते हैं, किसी मंत्र की चैंटिंग सीख सकते हैं और काम के सिलसिले में जो वर्क फ्रॉम होम है उसमें आपकी प्रशंसा होने जा रही है। लगन से काम करने पर आपको काम से लाभ मिलेगा और लगन से परिवार के साथ एंजॉय करने पर परिवार बहुत खुश होगा। लकी कलर ब्लू और नंबर 7 शुभ रहेगा। मीन राशि, मीन राशि वाले लोगों के लिए अपने द्वारा किए गए अनैतिक कार्यों के कारण थोड़ी परेशानी हो सकती है। कई बार हम जबरदस्ती, क्योंकि जवान खून है, जवानी घर पे नहीं रहती है, जवानी बाहर भटकती है, घूमती है, और बाहर नहीं जा पा रहे तो मोबाइल पर बैठकर इधर उधर घूमने का प्रयास करेंगे। एकांत में बैठिए और ज्ञान अर्जित करिए। कुछ ऐसा करिए जो आपके दिल को खुश करे, कुछ ऐसा मत करिए कि जो लोगों को ही खुश करने का काम करे, जैसे किसी वीडियो को लाइक करना, किसी को कमेंट कर दिया। हम अपने आप को लाइक करें, अपने से कमेंट पास करें और अपने के साथ कम्युनिकेशन रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको अपने परिवार के सदस्यों के साथ प्यार और सद्भाव बनाए रखना चाहिए, क्योंकि आज इरिटेशन और झगड़ा, डोमेस्टिक वायलेंस यानी ग्रह क्लेश हो सकता है, इससे बचना चाहिए। संघर्ष थोड़ा रहेगा, आप अपने बच्चों के कार्यों के कारण या बच्चों की किसी कृत्यों के कारण परेशान हो सकते हैं। हो सकता है बच्चा आपके कहने में ना हो और आपको रह रहकर तकलीफ हो जाए। एक स्वस्थ व्यक्ति को अस्वस्थ हो जाऊंगा यह मानसिक बीमारी परेशान बहुत ज्यादा करती है और यही आपको कर सकती है। स्टूडेंट और आर्टिस्ट के लिए मन लगाकर काम करने का शानदार दिन है। आप किसी भी प्रकार से आज स्पिरिचुअलिटी से जुड़िए, भले ही 10 मिनट जुड़िए, आपको इतनी एनर्जी मिलेगी, शानदार मजा आ जाएगा। कोई और आपको आकर्षित कर सकता है काम, और किसी प्रकार का आपने जो किसी पुण्य काम किया है उससे आपको जो वाहवाही और धन्यवाद मिलेगा वो आपको बहुत अट्रैक्ट करने जा रहा है। लकी कलर व्हाइट नंबर 3 शुभ रहेगा। प्रिय दर्शकों, राशिफल के बाद अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने शुरुआत में भी कहा था कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 5 अप्रैल को रात को 9:09 तक दीपक जलाना है। किसी शुभ कार्य से पहले दीपक जलाते समय यह मंत्र जो मैं बता रहा हूं उसे जरूर बोलिए। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशनम च दीप ज्योति नमोस्तुते। आपने देखा होगा हम दीपावली को दीपक प्रज्वलित करते हैं, उसमें सुख शांति के लिए नाग केसर डालते हैं। यदि आपके पास नाग केसर नहीं है तो आप उस पर सरसों, लौंग या काले तिल भी डाल सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, अपने जीवन में अपने आप को सुरक्षित कर रहे हैं। शत्रु जो है कोरोना है, उसे निजात पाने के लिए हम कर्म कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मेडिकल, प्रशासन, पुलिस और सफाईकर्मी जो हमारी रक्षा कर रहे हैं उनके लिए भी कर रहे हैं। संकेत दे रहे हैं कि हम उनके साथ हैं, लेकिन जब सरसों के तेल में दीपक प्रज्वलित करेंगे नाग केसर, लौंग या काले तिल के साथ, जो एनर्जी इन 9 दीपकों के साथ प्रज्वलित होगी, यदि आपके परिवार के साथ या सभी सदस्य अलग अलग 9 दीपक प्रज्वलित करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके और परिवार में सुख शांति और समृद्धि कोई नहीं छीन सकता है। माँ कृपा, ईष्ट कृपा के साथ साथ आपको 9 ग्रहों का आशीर्वाद भी मिलेगा। मैं आपको इस प्रयोग की शुभकामना देता हूँ, आप इस प्रयोग को जरूर करिएगा, आप देखेंगे कि माँ लक्ष्मी आपके घर में जरूर पधारेगी। हर रोज शाम को 6 बजे से 7 बजे के बीच में मैं लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से आपके समस्याओं का समाधान करने के लिए लाइव आता हूँ। आप अपने प्रश्न ड्यूरिंग लाइव जरूर भेजिए ताकि हम और आप मिलकर समस्या का समाधान खोजें। आओ एक दीपक उन लोगों के नाम से जलाएं जो जिंदगी और मौत से जूझ रहे लोगों के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर उनकी सेवा कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय दर्शकों, आप सभी का प्यार हमारे परिवार के सदस्यों की तरह है।
11.5 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर और हर महीने 70 से 90 लाख के बीच में दर्शकों की संख्या, ये दर्शाती है कि आपका प्यार प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया तो बहुत अच्छा है, धन्यवाद, और नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट हमें हमेशा भेजते रहें ताकि हम इस कार्यक्रम को और बेहतर बना सकते हैं। ग्रहों का खेल और सुरेश रिमाली यूट्यूब चैनल पर ज्योतिष, आध्यात्म, यंत्र मंत्र और तंत्र के गूढ़ रहस्यों से हम रोजाना ही पर्दे उठाते हैं और वो नुस्खे, वो उपाय आपको बताए जाते हैं जिनके पथ पर चलकर आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।